ओके, तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव एक्सरसाइज 3.1 से कर रहे हैं. सो फाइंड द रेडियन मेजर. तो हमें रेडियन मेजर निकालना है फॉर द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स. तो यहाँ पर कुछ चार क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो उनमें से हम लोग दो करेंगे. तो फर्स्ट वन वी गोना स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3. सो 3 पे क्या है कि यहाँ पर जो डिग्री मेजर है वो 240 डिग्री है. तो मेरे पास जो एंगल है, एंगल इन डिग्रीज इज इक्वल टू 240 डिग्री. अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट करना है किसमें? रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो ऑलरेडी एक स्लाइड था कन्वर्शन ऑफ डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा. तो वहाँ पर हमने वो कन्वर्शन के लिए कौन सा मल्टीप्लायर, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने देखा था. तो फर्स्ट थिंग, अगर मुझे एंगल इन रेडियन करना है, तो अगर एंगल रेडियन में लाना है तो 240 डिग्री में से डिग्री को हटाना पड़ेगा. तो हमें दो चीज़ याद रखना है, एक है पाई और एक है 180 डिग्री. वी नो दैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो मल्टीप्लायर या तो पाई बाय 180 होगा या तो 180 डिग्री बाय पाई, इन दोनों में से कोई एक होगा. तो मुझे अगर रेडियन पाना है, इफ़ आई नीड टू गेट रेडियन एज माई आंसर, तो मुझे डिग्री को हटाना पड़ेगा. तो 240 डिग्री जो है, यहाँ से मुझे डिग्री हटाना है. तो डिग्री को अगर हटाना है, मतलब कैंसिल आउट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आई नीड टू हैव 180 डिग्री इन द डिनोमिनेटर. और 180 डिग्री अगर यूज़ कर दिया तो बचा मेरा पाई, तो ऊपर मैं लिख दूंगा पाई. तो यहाँ पर अगर मैं कैंसिल आउट करता हूँ तो ज़ीरो ज़ीरो गया. देन वी हैव 6 3 एंड देन वी हैव 6 4. सो वी गेट द आंसर एज 4π/3. तो ये है आंसर इन रेडियन फॉर्म. तो इस तरह से हम लोग डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आई होप यू माइट रिमेंबर दैट कि अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मुझे डिग्री को कैंसिल आउट करना है. तो अगर डिग्री को कैंसिल आउट करना है तो मेरा जो 180 डिग्री है वो डिनोमिनेटर में लाई करेगा. ओके, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2. तो यहाँ पर है, यहाँ पर जो एंगल है वो कुछ अलग है. जैसे मैंने बोला था कि डिग्रीज़ का दो सब डिवीज़न है, दैट इज़ मिनट एंड सेकेंड. 1 degree इज इक्वल टू 30 मिनट एंड 1 minute इज इक्वल टू 30 seconds. तो अभी मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है. 40 minus 47 degree 30 minutes. तो हमें पता है डिग्री को रेडियन, सिर्फ और सिर्फ डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई बाई 180. डिग्री हटाने के लिए नीचे 180 डिग्री होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर 30 मिनट भी है. हमें पता है डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन ये फॉर्मूला यूज़ करना है, लेकिन मिनट टू रेडियन तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है. तो देन व्हाट आई एम गोना डू? सो इन दिस केस हमें जो है वो 30 मिनट को डिग्री में पहले कन्वर्ट करना है. हमें पता है 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट. ठीक है, 1 degree जो है वो 60 मिनट है. तो 30 मिनट कितना डिग्री होगा? तो 60 के साथ अगर मैं 2 डिवाइड करूँगा तो मुझे 30 मिलेगा. ठीक है, तो 1/2 degree इज इक्वल टू 60/2 minute और 30 मिनट. तो 30 मिनट का मतलब है 1/2 degree. ठीक है, अब तरीका क्या है इसको, तो ऐसे ये तो मैंने नॉर्मल साइड से किया, लेकिन इसको क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है? तो हमें पता है सबसे बड़ा यूनिट है डिग्री, उसके बाद है मिनट और उसके बाद है सेकेंड. ठीक है, अगर डिग्री को अगर बड़े यूनिट से मैं छोटा यूनिट में जाऊंगा तब मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सपोज वी नीड टू फाइंड 2 degree इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स, तो 2 into 60 मिनट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 degree इज इक्वल टू 60 मिनट. सो दैट वी गेट एज 120 मिनट. अगर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 gram. ठीक है, लेकिन अगर मैं उल्टा करूँगा, मतलब मैं अगर छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाऊंगा तो 1 gram इज इक्वल टू 1/1000 kg. अगर मैं उल्टा करूंगा, मतलब मिनट से मैं अगर डिग्री में जाऊंगा तब मुझे करना पड़ेगा डिवीज़न. ये हमेशा ध्यान रखना कि अगर मुझे, एक सेकेंड, अगर मुझे डिग्री टू मिनट जाना है तो हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन, और अगर मुझे
मिनट 2 डिग्री जाना है तो हमें करना है डिवीजन, ठीक है। और किससे मल्टीप्लाई और किससे डिवीजन करेंगे, जो कन्वर्टिंग फैक्टर है दैट इज 60, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 60 से मल्टीप्लाई या तो 60 से डिवाइड, तो मुझे 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर ये छोटा यूनिट है मिनट, तो इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं डिवाइड करूँगा माइनस 47 डिग्री इंटू 30/60 मिनट, तो ये हो जाएगा माइनस 47 डिग्री हाफ, ये भी डिग्री हो गया, तो मतलब ये आ रहा है 47 1/2 डिग्री। तो ये मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो अगर मैं इसे प्रॉपर फॉर्म एक फ्रैक्शन में लिखूं, सो व्हाट वी गेट माइनस, तो 95/2 आ रहा है, 95/2 डिग्री, ठीक है। अब इसे मुझे क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो नाउ इसको इजीली मैं रेडियन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इन रेडियन, तो एंगल हो जाएगा माइनस 95/2 इंटू पाई बाय 180, ये पूरा है रेडियन, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट अगर मैं करने जाऊँगा, सो वी हैव 5 1 5 9 5 36 आ रहा है, तो आई थिंक माइनस 19π/72 रेडियन, सो दिस इज़ वॉट यू गेट एज रेडियन फॉर्म। तो इस तरह से हम लोग एंगल को, एंगल इन डिग्रीज को कन्वर्ट करते हैं एंगल इन रेडियंस। नाउ वी हैव नेक्स्ट सेट ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज अब मुझे डिग्री निकालना है और रेडियन हटाना पड़ेगा, रेडियन से डिग्री निकालना है, तो रेडियन दिया रहेगा और मुझे डिग्री निकालना है। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में और एक चीज़ दिया हुआ है कि देखो, यहाँ पर अगर बोला है कि पाई का जो वैल्यू है वो हम लोग 22/7 लेंगे, आई एम गोना टेक द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 11/16, तो ये रेडियन है, इसको तुम्हें अभी क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एंगल इन डिग्री, अब अगर इसको मैं 11/16 को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करना चाहूँगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे में मेरा रेडियन होगा, क्योंकि 11/16 इटसेल्फ इज़ अ रेडियन, तो नीचे रेडियन होगा तभी जाके कैंसिल आउट होगा। देन डिग्री लाने के लिए ऊपर मुझे 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये हम लोग कर रहे हैं डिग्री निकालने के लिए, तो डिग्री निकालने के लिए ऊपर में डिग्री, नीचे में रेडियन। सो नाउ इफ़ आई पुट द वैल्यू ऑफ पाई, पाई का वैल्यू है 22/7, तो यहाँ पर मैं 22/7 पुट किया, सो वी हैव 11/16 इंटू, तो 7 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 22, तो यहाँ से अगर मैं कैंसिल आउट किया 2 हुआ, फिर ये कैंसिल आउट किया 90 डिग्री आया, सो वी गेट 6, अच्छा और भी कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये 45 ये करना पड़ेगा, 8 हुआ, ठीक है। सो वी गेट कितना मिल रहा है मुझे, 315 by 8 मिल रहा है गैस, दिस डिग्री वी हैव, तो एक सेकेंड, हाँ तो ये आ रहा है। तो अभी जो ये जो डिग्री है ये कंप्लीट फॉर्म में नहीं आया, तो इसको मैं फ्रैक्शन में नहीं रख सकता, इसको मुझे कंप्लीट फॉर्म में लाने के लिए मतलब मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हम लोग करेंगे, कितना कंप्लीट डिग्रीज मिल रहा है, तो 315/8 पहले हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो 315/8 कितना आ रहा है, ये 8, 3 is 24, 75, 19, 8 9 is 72 आ रहा है, तो 3 आ गया, ठीक है। नाउ वी गेट, तो यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या आ रहा है, कंप्लीट डिवाइजिबल 39 हुआ और रिमाइंडर है 3 by 8 डिग्री, ये आया। तो अब जो 3/8 पोर्शन है उस चीज़ को मैं क्या करूँगा, मिनट में कन्वर्ट करूँगा, तो वी हैव 39, अब जो है डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो जब डिग्री को मैं मिनट में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैंने क्या बोला, हायर यूनिट टू लोअर यूनिट में जा रहा हूँ, तो मैं मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3/8 एंड मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 60, तो ये बन गया मिनट, तो कितना आ रहा है ये, 39 डिग्री
और 8 से अगर मैं कैंसिल, 8 तो कैंसिल नहीं होगा, 4 से जाएगा 15, 4 टू से 8, तो ये आ गया 45/2 आ रहा है। सो वी हैव 45/2 मिनट। फिर से ये भी कम्प्लीटली डिवाइजिबल नहीं है, तो ये भी अगर कम्प्लीटली नहीं है तो इसको भी मुझे लिखूँगा 39 डिग्री। 45/2, 45/2 होता है 22.5 मिनट, 22.5 मिनट होता है, दैट्स 45/2। अगर मैं मिक्स फ्रॉम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो 22.5 होता है, तो ये बन जाएगा 39 डिग्री 22 मिनट। और ये जो हाफ मिनट आया है, अब मैं इसको 60 सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मिनट इज़ बिगर देन सेकेंड, तो फिर बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहा हूँ तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, तो मेरा आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। सो दिस इज़ हाउ वी कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। तो रेडियन को डिग्री कन्वर्ट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, तो लेकिन ध्यान से करने से सही हो जाएगा। सो लेट मी डू क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं 4 करता हूँ, ये वाला इजी है। एंगल इन रेडियन, तो रेडियन में जो एंगल है वो है 7 7π/6। तो इसको मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, एंगल इन डिग्री, तो ये हो जाएगा 7π/6। अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मुझे रेडियन हटाना पड़ेगा, तो नीचे होगा रेडियन और ऊपर होगा 180 डिग्री। सो पाई पाई गेट्स कैंसिल, देन 6 30 180, सो 30 × 7 = 210 डिग्री। सो दिस इज़ हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, अ व्हील मेक्स 30 revolutions in 1 minute। अ व्हील मेक्स 30 revolutions in 1 minute, through how many radians does it turn in 1 second? तो एक मिनट में, तो पहले हम लोग जो है, तो जितना भी सारा फैक्ट्स है हम लोग अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करेंगे, जितना भी सारा फैक्ट्स दिया हुआ है। तो फर्स्ट थिंग, जो व्हील के बारे में बोला है तो वो कितना कर रहा है, 360 revolutions कर रहा है एक मिनट में, पर मिनट। और हमें भागा है हाउ मेनी रेडियंस, वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड रेडियंस इन 1 second, मतलब 1 second में कितना रेडियन एंगल वो व्हील घुमा है, दैट वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, ये हमें निकालना है। तो पहले हर क्वेश्चन करने से पहले हमें जो फैक्ट्स है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो पहले साइड में लिख लेना है, फिर जो हमें निकालना है उसे पहले सब कुछ एक्युमुलेट करके ग्राफ में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग, मुझे रेडियंस इट टर्न्स इन 1 second बोला है, तो लेकिन मेरा तो 36 revolutions in 1 minute है, तो मैं अगर वो 1 minute में 360 revolution करता है तो 1 second में कितना रेवोल्यूशन करेगा वो निकालते हैं। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 minute इज इक्वल टू 360। तो 1 minute में वो 360 revolutions कर रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इन 1 second, तब ये क्या होगा, तो 1 minute में अगर 360 कर रहा है तो 1 second में, मतलब 1 second में 1 minute है 60 second, अगर 1 minute में 360 कर रहा है तो 1 second में क्या होगा, 360/60 होगा। अगर 1 minute में 360 revolution कर रहा है तो 1 second में 360/60 होगा, तो 0 0 गया, सो वी हैव 6। सो हियर वी हैव 6 revolutions, मतलब मेरा जो व्हील है वो 1 second में 6 revolutions करता है। ठीक है, अब हाउ मेनी रेडियंस पूछा है, तो अब मुझे जानना है 1 revolution में व्हील कितना रेडियन टर्न करता है। तो वी नो दैट इज 360 डिग्री एंड दैट इज इक्वलेंट टू 2π। हम उन्होंने तो ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं कि इन वन रेवोल्यूशन द व्हील टर्न्स
टू पाई रेडियन, तो एक रेवोल्यूशन में व्हील जो है वो टू पाई रेडियन टर्न करता है. देन इन सिक्स रेवोल्यूशन, अब अगर मेरे पास छह रेवोल्यूशन है तो वो कितना टर्न करेगा, देन इन सिक्स रेवोल्यूशन द व्हील विल टर्न 2π × 6 और 12π radian. ठीक है, तो उसका मतलब छह रेवोल्यूशंस में मेरा जो व्हील है वो 12π radian टर्न करेगा. ओके, चलो.